जय श्री कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस इनके फार्मूले पढ़े थे और एनर्जी लेवल बताया था। अब उसी, चूंकि एनर्जी का जो फार्मूला होता है उससे जुड़े बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उससे जुड़ी बहुत सारी हम लोग बात करेंगे। कुछ डेफिनेशन और कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। किसी को याद है आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा, ठीक है, वो क्या होती है? किसी को याद हो अगर कोई बताए, याद तो होगा ही, बताइए। हाँ हाँ, कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब इसमें एक टर्म ये भी रहता है कि आइसोलेटेड भी इलेक्ट्रॉन हो, एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइसोलेटेड नहीं होगा तो बाकी उसके ऊपर कुछ असर डालेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर हम ग्राउंड स्टेट से इनफिनाइट तक लेना, उसकी जो भी अपनी ग्राउंड स्टेट है उससे अगर हम इन्फिनिटी तक ले जाना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफाइन भी कर देता हूं, लिख देता हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी इन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम के अंदर, या केमिस्ट्री वाले इसको ऐसे बोलते हैं गैसियस स्टेट में, केमिस्ट्री में बोलेंगे गैसियस स्टेट में एटम, हम लोग इस तरह बोल रहे हैं कि कोई भी आइसोलेटेड एटम है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। उसके बाद एक टर्म और आता है इसी के अंदर, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी को हम लोग कहते हैं उत्तेजन ऊर्जा। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी को समझना चाहें तो एक्साइटेशन एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं, या उसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बताएगा एक्साइटेशन एनर्जी? मतलब एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब, जैसे मान लो मैं थर्ड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी चाहता हूं तो ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी। अगर मैं फिफ्थ स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी ले जाना निकालना चाहता हूं तो वन से फाइव तक की जो एनर्जी, वन से फाइव तक ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फिफ्थ स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी होगी। तो मतलब ग्राउंड स्टेट से गिवन स्टेट तक ले जाने में कम से कम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे उस गिवन स्टेट की हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू गिवन स्टेट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू गिवन स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट गिवन स्टेट। जैसे मान लो पांचवी स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वन और फाइव का डिफरेंस।
अगर सेकंड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी की बात करेंगे तो 1 or 2 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब जो भी स्टेट है उसको ग्राउंड से वहां तक ले जाने में जितनी कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो उस स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी होती है। नोट कर लिया सबने? अब एक्साइटेशन एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, उसके अलावा एक और इसके अंदर आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई बताएगा बाइंडिंग एनर्जी, आप इसे किसी को याद हो? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है पांचवी स्टेट में है तो पांचवी स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कही जाती है। बाइंडिंग का मतलब गिवन स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाना, एक्साइटेशन का मतलब 1 से उस स्टेट तक लाना, और बाइंडिंग का मतलब है उस स्टेट से जो भी स्टेट है उससे इन्फिनिटी तक ले जाना। तो गिवन स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये भी मैं लिख दे रहा हूं, द मिनिमम लिखते जाए आप लोग भी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन स्टेट टू इन्फिनिटी। कम से कम ग्राउंड स्टेट से गिवन स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितनी कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो दो तीन ये जो डेफिनेशन बताई, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इन पे कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Hg+ एटम, Hg+ एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बताएं। Hg+ का मतलब हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो Hg+ हो गया, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताएं। 54.4। तो हमें Hg+ एटम की आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो Hg+ एटम की आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम Hg+ की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देख लेते हैं। जो एनर्जी का फार्मूला आता है वो आता है -13.6 Z² / n² Hg+ जो है उसमें Z कितना होगा, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, Hg+ में 2 प्रोटॉन होंगे, तो 2 प्रोटॉन होंगे तो यह आ जाएगा -13.6 × 2² / n² ये हो जाएगा आपका 4 × 13.6 − 4 × 13.6 × 4 / n² ये उसकी एनर्जी हो गई Hg+ की। अब हमें चाहिए ग्राउंड स्टेट और इन्फिनिटी के बीच का अंतर। अच्छा ये बताओ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी कि इन्फिनिटी की ज्यादा होगी? इन्फिनिटी की ज्यादा होगी ना, इन्फिनिटी की जीरो होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होगी, तो ऑब्वियसली जीरो नेगेटिव से बड़ा ही होगा तो इन्फिनिटी की ज्यादा होगी। तो मैं अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखूंगा जैसे E1, E1 आ जाएगा 13.6 × 4 ही आ जाएगा, 54.4 −54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इन्फिनिटी के अगर हम देखें एनर्जी लेवल तो इन्फिनिटी का जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब एन इनफाइनाइट कर दोगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, तो इन्फिनिटी का जीरो आ जाएगा। अब आपको नीचे से ऊपर ले जाना है, −54.4 से जीरो तक ले जाना है, तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो जीरो −54.4 के बराबर देनी पड़ेगी, या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ये उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम का जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी बताएं। फाइंड द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच प्लस। हाइड्रोजन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो हमारी यही है कि भाई गिवन स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे बोल रहे हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब हुआ कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होगा कि चौथी स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब वो एक्साइट होकर ऊपर चला गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड स्टेट। थर्ड, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो उसका मतलब थर्ड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब जो है वो फोर्थ स्टेट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कहां से कहां गया है, वन से फोर। तो आपको वन से फोर का डिफरेंस निकालना है। अगर वन से फोर का डिफरेंस निकालना है तो ई वन जो आएगा वो आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये वन का हो गया। और अगर हम फोर्थ का निकालना चाहते हैं ई टू, हो जाएगा माइनस 13.6 वन का स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे माइनस 13.6 आएगा, और ये आएगा माइनस 13.6 अपॉन 16, और ये आता है माइनस 0.85। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, 13.6 अपॉन 16 करोगे तो 0.85 आ जाएगा। अब आपको इसी का अंतर निकालना है, फोर्थ स्टेट है ये, फोर्थ स्टेट। तो आप अच्छा, फोर्थ की एनर्जी ज्यादा होगी या फर्स्ट की? फोर्थ की ज्यादा होगी, जैसे से ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आपको अगर एनर्जी निकालनी है एक्साइटेशन एनर्जी, तो ई फोर माइनस ई वन कर देंगे, ई फोर माइनस ई वन करेंगे तो माइनस ऑफ 0.85 माइनस ऑफ माइनस 13.6 सॉल्व करेंगे तो ये 12.7 आ जाएगा, 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 12.75 आएगा, ठीक है। तो ये 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसकी एनर्जी को ले सकते हैं। तो ये जैसे एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी हमने बात करी, तो इन तीनों एनर्जी में कोई रिलेशन बता सकते हो हाइड्रोजन एटम के लिए? एक्साइटेशन, बाइंडिंग और आयोनाइजेशन, इन तीनों एनर्जी में कोई रिलेशनशिप? बिल्कुल। देखो एक्साइटेशन क्या है, एक्साइटेशन है वन से एन ले जाना, बाइंडिंग है एन से इन्फिनिटी ले जाना, और आयोनाइजेशन क्या है, वन से इन्फिनिटी ले जाना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन। कोई दो दिया हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, बाकी अपने पास जो फार्मूले हैं उन फार्मूले से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों टाइप की एनर्जी में रिलेशन हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर और भी कई तरह के छोटे छोटे जो हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई कुछ जैसे कुछ सीरीज बनती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कहीं ना कहीं लाइमन सीरीज, मामन सीरीज, पास चेन सीरीज, ऐसे करके सुना होगा ना। तो अलग अलग टाइप की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम एक रिजल्ट बनाएंगे जिसमें कोई हाइड्रोजन एटम किसी हायर स्टेट N2 से, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट N2 से लोअर स्टेट N1 में जंप करता है, तो जंप करने के बाद क्या होता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लिखता हूं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर स्टेट N2 टू लोअर स्टेट N1। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट N2 से लोअर स्टेट N1 में जंप करेगा तो क्या होगा? देखो भाई, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, मान लो किसी बिल्डिंग के तीसरे माले से छलांग लगा के दूसरे पे आ गए, तो दूसरे जब ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा होगा नॉर्मल कंडीशन में। यहां पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो वो जो उसकी एनर्जी है उसमें कमी आती है, तो वो जो एनर्जी निकलती है वो एक फोटोन के फॉर्म में निकलती है। मान लो ऊपर वाली लेवल का एनर्जी लेवल है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे वाली का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो जब 15 से 10 में आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन एमिट होगा, ये मतलब इसमें होता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एक फोटॉन निकलता है। अब वो फोटॉन की जो वेवलेंथ है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि N2 स्टेट में था, हायर स्टेट है N2, तो EN2 हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। फिर N2 से अगर N1 में आया तो EN1 कितना हो जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर।
ये EN1 हो जाएगा, और चूंकि ये बड़ा है ये छोटा है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो आएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस में रहेगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये एनर्जी का डिफरेंस आएगा, और वो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एक फोटोन के फॉर्म में निकलेगा, तो ये किसके बराबर जाएगा, HC/λ के बराबर हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये HC/λ के बराबर हो जाएगी। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं HC/λ इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब क्या है कि H और C की जो वैल्यू है ये तो हमें पता ही है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये H और C हमको अलग अलग SI यूनिट में पता है, तो लोगों ने क्या किया, समझदार जो लोग थे उन्होंने इसकी सबकी वैल्यू SI यूनिट में लिखी, और SI यूनिट में लिखने के बाद इन्होंने जो रूल बनाया वो ये बनाया 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, जहां आर एक विशेष कांस्टेंट होता है, क्या कहते हैं इसको, क्या नाम से बुलाते हैं इसको, रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, और आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.097 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, ये आर की वैल्यू आती है, या हम बोल सकते हैं 1.1 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, आर एक कांस्टेंट है, इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये एक रिजल्ट बन जाता है। तो किसी से कोई ट्रांजिशन होगा N1 से N2 या कोई मान लो 4 से 3 ट्रांजिशन हो गया हाइड्रोजन के अंदर, मान लो हाइड्रोजन के अंदर हुआ तो हाइड्रोजन का जेड हो गया 1, आर की वैल्यू हमें पता है, N1 2 से 1 हुआ है तो N1 पता है हमें, N2 पता है, सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो जो भी फोटोन एमिट हुआ है हम उसकी वेवलेंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं इस रिजल्ट को यूज करके। तो ये रिजल्ट आप सारे लोग नोट कर लीजिए, सारा का रिजल्ट ये नोट कर लीजिए। तो इसके अंदर अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अलग अलग तरह की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइन जो है वो बनती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो लाइनें कैसे बनती हैं और उनका क्या क्या नाम वगैरह होता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इसमें जैसे ये मैंने एनर्जी स्टेट्स बनाए हैं, ये मान लीजिए पहला ग्राउंड स्टेट है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एनर्जी स्टेट्स हो गई। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा मान लीजिए, अभी देख लीजिए आप लोग समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, अभी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं कि 9th स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, यहां से यहां आएगा तो दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी एमिट करेगा, मान लेते हैं कि 8th से फर्स्ट में आता है या 7th से 1 में आता है, 6th से 1 में आता है, 5 से 1 में आता है, 4 से भी 1 में आ सकता है, 3 से भी 1 में आ सकता है, 2 से भी 1 में आ सकता है, बहुत सारे तरीके से 1 में आ सकता है, तो ये खास तरह की एनर्जी एमिट करेगा और ये एनर्जी का गैप अच्छा खासा होगा क्योंकि 1 जो एनर्जी लेवल होता है सबसे बड़ा एनर्जी लेवल होता है तो ये अच्छा खासा होता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये मतलब 15 से 1 में आए, 10 से 1 में आए, 8 से 1 में, 9 से 1 में, किसी से भी 1 में आ रहा है, तो इस तरह से जो वेवलेंथ आती है जब उन वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया जाता है तो उनकी एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। इस लाइमन सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो N1 होता है वो 1 होता है और N2 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 का मतलब इंटीजर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं, और जब यहां से यहां तक का जो हाइड्रोजन एटम की बात मैं कर रहा हूं, बाकी सबके लिए अलग अलग रहेगा, जब यहां से यहां तक का एनर्जी गैप निकाला गया और वो सारी जो वेवलेंथ है उन वेवलेंथ को रिकॉर्ड करके देखा गया लोगों ने एक्सपेरिमेंटली, तो पता चला कि ये जो वेवलेंथ है ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती है, यूवी रेंज में आती है, यूवी रेंज, अल्ट्रा वायलेट जो रेंज है उसके अंदर ये वेवलेंथ आती है। किसी भी से भी अगर किसी भी लेवल से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी स्टेट्स आती है वो यूवी रेंज में आती है हाइड्रोजन एटम के लिए, HE+ का अलग हो जाएगा, Li+ का अलग हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम में आप कोई भी ट्रांजिशन कहीं से भी अगर 1 में हो रहा है तो जो एनर्जी होगी वो यूवी रेंज के अंदर आ जाएगी, इसको हम लोग लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं, ये लाइमन सीरीज थी। उसके बाद मान लेते हैं कहीं से भी किसी भी जगह से 2 में ट्रांजिशन हुआ,
किसी भी स्टेट से अगर 2 में ट्रांजिशन हुआ तो उस सीरीज को भी एक खास नाम से बुलाया गया है। उस सीरीज का नाम क्या होता है याद है किसी को? इस सीरीज को कहा जाता है बामर सीरीज। बामर सीरीज जो होती है इसमें N1 जो होता है वो 2 होता है और N2 जो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है। ग्रेटर देन 2 का मतलब 3, 4, 5, 6, 7 भाई ऊपर से किसी इसमें आएगा, ऊपर किसी भी हायर स्टेट से अगर 2 में आएगा तो जो फोटोन निकालेगा वो बामर सीरीज का होता है। और ये बामर सीरीज किस रेंज में आती है? विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में, लाइमन में, उसमें इंफ्रारेड में, किस रेंज में आती है? ये विजिबल रेंज में आती है, दृश्य क्षेत्र में आती है, दिखाई पड़ती है, नेकेड आई से दिखाई पड़ेगी। बामर सीरीज की जो लाइनें होती हैं वो विजिबल रेंज में आती हैं और इनका जो ट्रांजिशन होता है वो 3 से 2 या 4 से 2 या 5 से 2 या 6 से 2 या 7 से 2 ऐसा होता है। तो ये लाइमन सीरीज थी, ये लाइमन सीरीज यूवी रेंज में आई, फिर बामर सीरीज आई, फिर उसके बाद और लोगों ने मेहनत करी और सीरीज देखी, तो लाइमन बामर के बाद फिर एक आता है पाश्चेन सीरीज। किसी भी लेवल से 3 में जो ट्रांजिशन है दैट इज पाश्चेन। किसी भी लेवल से 3 में जो ट्रांजिशन है इसको हम लोग कहते हैं पाश्चेन सीरीज, ठीक है। और ये जो पाश्चेन सीरीज होती है इसमें N1 जो आएगा वो 3 आता है और N2 जो आता है दैट इज ग्रेटर देन 3। लाइमन बामर पाश्चेन ये सीरीज हो गई। ये किस रेंज में आती है याद है किसी को? IR में आती है, इंफ्रारेड, हिंदी में अवरक्त कहते हैं, इंफ्रारेड IR रेंज में आता है। N1 3 होगा और N2 ग्रेटर देन 3 होगा, तो ये लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चेन हो गया। उसके बाद अगला एक और आता है एक और सीरीज आती है जिसका बड़ा अजीब सा नाम है, इनका नाम है ब्रैकेट सीरीज। इनके पिताजी को नाम नहीं मिला होगा ठीक से, कोई ब्रैकेट नाम रख दिया। N1 जो है वो 4 होगा और N2 ग्रेटर देन 4 होगा। ये ब्रैकेट सीरीज आती है और ये भी IR रेंज में ही आती है, इंफ्रारेड में, IR रेंज में आती है। किसी भी हायर स्टेट से अगर 4th स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो जो एनर्जी निकलती है वो IR रेंज में होती है और उस पर्टिकुलर सीरीज को ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। ये सब एनर्जी लेवल बहुत कम एनर्जी लेवल है, ये सीरीज सब बहुत बाद में डिस्कवर हुई। जैसे अच्छे अच्छे कहते हैं कि क्वालिटी के जब स्पेक्ट्रोमीटर्स बन रहे, स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या करते हैं? वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं, तो जब बहुत फाइन लाइंस को मतलब बहुत कम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है उनको भी डिटेक्ट करने लगे तब ये सीरीज बनी, ठीक है। तो लाइमन बामर पाश्चेन ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक और सीरीज आती है पी फंड सीरीज आती है। और ये जो पी फंड सीरीज आती है ये भी IR रेंज में आती है और इसके लिए जो N1 होता है ये 5 होता है और N2 जो होता है वो ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है। ये पी फंड आ गया। अब उसके बाद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब तक यही सीरीज थी, अभी एक और आ गई है सीरीज, शायद NCERT में अभी नहीं आई है, हम्फ्री सीरीज बोलते हैं उसको, हम्फ्री सीरीज, क्योंकि और महीन टाइप के स्पेक्ट्रो जिन लोगों ने डिटेक्ट किया उन्होंने अपने अपने नाम पे सीरीज का नाम रख लिया। तो जैसे जैसे और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के स्पेक्ट्रोमीटर्स बनने लगे वैसे वैसे नई नई सीरीज मिलने लगी, तो ये एक हम्फ्री सीरीज आती है। और हम्फ्री सीरीज भी IR रेंज में होती है, इंफ्रारेड रेंज में होती है, इसके लिए N1 6 होता है और N2 जो है वो ग्रेटर देन 6 होता है। तो ये अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज है। अभी मान लो आप में से कोई ऐसा बनता है, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाता है, कुछ अच्छा काम केमिस्ट्री में करता है, उसने कोई नई सीरीज बनाई तो आपके नाम पे सीरीज आ जाएगी, ठीक है, रोशन सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह की हो सकता है कि अगले 20 सालों बाद जो है कोई 2-4 और सीरीज हाइड्रोजन एटम में या HE+ एटम के अंदर आ जाए। तो जैसे जैसे और फाइन लाइंस डिस्कवर होने लगेंगी उस तरह से आने लगेगा। अच्छा, सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कवर करी गई थी? बामर ही डिस्कवर हुई होगी भाई, जो दिखेगा अभी सबसे पहले वही देखेगा ना, बामर विजिबल रेंज में है, दिखने वाले रेंज में है। तो सबसे पहले बामर की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद फिर बाकी सीरीज की डिस्कवरी हुई थी। बामर के बाद फिर लाइमन आया था और बामर की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बामर सीरीज जो डिस्कवर हुई थी, बामर कोई फिजिसिस्ट नहीं थे, ये मैथमेटिशियन थे, तो इनको कुछ वेवलेंथ मिली, कुछ ऐसी वेवलेंथ इनको दी गई, और जैसे आपको मान लीजिए 50 नंबर दे दिए, ऐसे बहुत सारे सवाल आपने किए होंगे एप्टीट्यूड में, 50 नंबर दे दिया जाए और फिर बोला जाता है इनके बीच में रिलेशन निकालो, सीरीज बनाओ, ऐसे सवाल होते हैं ना।
तो उसी तरह से बहुत सारी वेवलेंथ उनको मिल गई। अब बहुत सारी वेवलेंथ मिल गई और उनसे ये बोला गया कि भाई इनमें आपस में रिलेशन करके कोई सीरीज बनाओ, तो उन्होंने जो सीरीज बनाई वो इस फॉर्मेट की, आई वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन का स्क्वायर। तो फिर वहां से ये पता चला कि कौन सा ट्रांजिशन है, फिर उस हिसाब से थ्योरी डेवलप होती गई। तो खैर ये तरह तरह की सीरीज होती है। अब ये जो सीरीज होती है इसके अंदर कुछ और बातें होती है। हर सीरीज की दो वेवलेंथ लिमिट होती है, एक शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट होती है, एक लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट का मतलब, जैसे लाइमन सीरीज की शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया सबसे छोटी वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी लाइमन सीरीज में किस ट्रांजिशन की होगी, इन्फिनिटी से वन। अगर इन्फिनिटी से वन आ जाएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी। तो शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट जो होती है वो सबसे बड़े एनर्जी गैप को करिस्पॉन्ड करती है, और इसी सीरीज की लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट भी बनती है। इसी के अंदर सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ होगी वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, टू से वन का ट्रांजिशन होगा। टू से वन आएंगे तो सबसे छोटा एनर्जी गैप मिलेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आपसे कहे पाश्चेन सीरीज की लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट का ट्रांजिशन बताओ तो क्या बताओगे, पाश्चेन सीरीज की लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट का ट्रांजिशन, लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब स्मॉल एनर्जी, स्मॉल एनर्जी का मतलब पाश्चेन के अंदर कहां से कहां, फोर से थ्री। लॉन्ग वेवलेंथ एचसी बाय लैम्डा होता है ना, एनर्जी होती है एचसी बाय लैम्डा, लैम्डा जितना बड़ा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो हर सीरीज की कई बार सवाल आते हैं ऐसे, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। तो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट जो होती है वो लोएस्ट एनर्जी गैप को करिस्पॉन्ड करती है, और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट जो होती है वो हाईएस्ट एनर्जी गैप को करिस्पॉन्ड करती है। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड टू, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट एनर्जी गैप, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट एनर्जी गैप। अगला लिख रहा हूं मैं लॉन्ग, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड्स टू लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट एनर्जी गैप, लोवेस्ट शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट एनर्जी गैप, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट करिस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट एनर्जी गैप। इसके अंदर फाइंड द क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो लाइमन सीरीज है उसकी वेवलेंथ लिमिट्स आपको बतानी है। वेवलेंथ लिमिट का मतलब दो वेवलेंथ हो गई, एक शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट बतानी है, एक लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। और इन्फॉर्मेशन में आपको रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, रिडबर्ग कांस्टेंट मान लें 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ लिमिट आपको बतानी, शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट दोनों आपको बतानी है लाइमन सीरीज की। तो इसमें लाइमन सीरीज जो है उसकी हमें शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ बतानी है। हाइड्रोजन एटम की बात की है, अपने पास फार्मूला है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। बात अगर हाइड्रोजन एटम की है तो जेड वन होगा, और बात अगर लाइमन सीरीज की है तो एन वन भी वन होगा। लाइमन सीरीज के अंदर एन वन वन होता है और एन टू वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं लाइमन सीरीज के अंदर जा रहा हूं, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल हो जाएगा आर 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। अब मुझे पता लगाना है सबसे छोटी वेवलेंथ और सबसे बड़ी वेवलेंथ। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी वेवलेंथ का पता लगाऊंगा। सबसे छोटी वेवलेंथ सबसे बड़े एनर्जी गैप को करिस्पॉन्ड करेगी, और सबसे बड़े एनर्जी गैप का मतलब एन टू की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। एन टू जो आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1 बाई लेमडा शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में कहता हूं, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर आर
जेड वन हो चुका था, आर है 1.1 इंटू 10^7 और एन टू इन्फाइनाइट हो जाएगा और ये तो 1 के बराबर रहेगी, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/∞। तो ये तो लेमडा शॉर्ट जो आएगा हो जाएगा 1/1.1 इंटू 10^7 या जाएगा 10^-7/1.1 यह आ जाएगा 10^-7/1.1 और इसको हम कह सकते हैं 10/11 इंटू 10^-8 ऐसा भी बोल सकते हैं। 10/-7 ही रहेगा, ये 1/1.1 है ना, तो 10/11 इंटू 10^-7 इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो जैसे इसको मैं इधर से स्विच ऑफ कर दे, इसको मैं इधर से अगर मान लेते हैं कि मैं 2 जीरो ले लूं इसमें, तो 2 जीरो ले लेता हूं, तो 2 जीरो लूंगा तो ये 1000/11 इंटू 10^-9 आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9, ठीक है, और 9 और फिर 1 बचेगा और फिर उसके बाद ये 10 आएगा, ठीक है, और एक मिनट कैलकुलेट करें, हाँ एक मिनट, अच्छा 1000 है ना, हाँ 10 आ जाएगा, फिर ये 90.9 इंटू 10^-9 हो गया, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 909 एंगस्ट्रॉम इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये तो शॉर्ट वेवलेंथ आ गई। अब देखिए ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में आ भी रही है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो अल्ट्रा वायलेट रेंज होती है ना 100 एंगस्ट्रॉम के ऊपर की जो होती है, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 के बीच जो भी होता है वो अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। अगर विजिबल रेंज का आप रेंज याद करें तो विजिबल रेंज का आता है 3800 से 7600, 3800 से 7600 आता है, और एक्सरे जो आती है वो 100 एंगस्ट्रॉम तक आती है। तो 100 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम तक, या 4000 मोटा मोटा बोले तो 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक जो आएगा वो यूवी रेंज आता है, अल्ट्रा वायलेट रेंज आता है। तो ये यूवी रेंज में आ भी रहा है। ये तो लेमडा शॉर्ट हो गया। अब लेमडा लॉन्ग निकालें, सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होगी वो सबसे कम एनर्जी को करेस्पॉन्ड करेगी, तो सबसे कम एनर्जी को करेस्पॉन्ड करेगी तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर आर। जेड की जो वैल्यू आएगी वो पता नहीं, मतलब पता नहीं है, 1.1 इंटू 10^7 ये तो वैल्यू आ गई आर की, ये हो जाएगा 1/1 - 1/N2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, सबसे छोटा गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो लेमडा लॉन्ग अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10^-7, तो ये हो जाएगा 1.33 इंटू 10^-7 मीटर या 1333 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी वो 1333 एंगस्ट्रॉम आ गई और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई वो 909 एंगस्ट्रॉम आ गई, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये जैसे इसमें ये 1.1 से डिवीजन नहीं हुआ था तो 1.1 से डिवीजन भी कर देते हैं, इसको 1.1 से डिवीजन कर देंगे तो अब ये पूरा डिवाइड करेंगे तो 1.33 का 1.1 से डिवीजन होगा, ये पूरा मैं हटा दे रहा हूं, तो ये 1.33 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10^-7 ये आएगा, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना लगभग 1200 के आसपास आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 1212 एंगस्ट्रॉम, 1212 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सारे लोग। इसी के अंदर एक और मैं सवाल देने जा रहा हूं आपको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम इसी तर्ज पे है। तो क्वेश्चन जो है वो मैं हाइड्रोजन एटम के बजाय मैं यहां पे HE+ एटम बोल रहा हूं, HE+ एटम। सेम ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ HE+ एटम, रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू दे रखी 1.1 इंटू 10^7, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सेम यही क्वेश्चन है, बस मैं HE+ के लिए दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अपने पास जो रिजल्ट था है तो लाइमन सीरीज ही ना, तो अगर लाइमन सीरीज ही है तो 1/लैम्डा शॉर्ट जो आएगा वो किसके बराबर जाएगा, जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर।
तो जो लेफ्टा शॉट आपने निकाला था उसमें बस ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और आ गया, ऊपर ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा 4 से। तो जो भी लेमडा शॉट आपने पहले निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, लेमडा शॉट कितना आया था जरा बताओ, 909 आया था, तो 909/4 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट यूज करें तो लेमडा शॉर्ट जो आएगा वो 909/4 आ जाएगा। अभी इसी का हम लेमडा लॉन्ग निकालना चाहते हैं, तो लेमडा लॉन्ग निकालना चाहते हैं तो 1/λ = 2 × r × 1/1 − 1/2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे तो जो भी आया था पहले जो आया था उसमें 4 का डिवीजन हो जाएगा, बस z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो लेमडा लॉन्ग इस बार जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 × 4 या जाएगा। सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इसमें इस वैरायटी के सवाल आते हैं कि भाई यहां से यहां ट्रांजिशन हुआ तो लॉन्ग वेवलेंथ बताओ, शॉर्ट वेवलेंथ बताओ, एक इस वैरायटी के सवाल आते हैं। एक ये सवाल आता है कि टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सैंपल है, जो जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में सिखा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन एटम इज इन फोर्थ स्टेट, हाइड्रोजन एटम सैंपल बोल देते हैं, पूरा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, सैंपल का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे हैं, तो इस सैंपल ऑफ अभी भी रह गया, इस सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन फोर्थ स्टेट, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इन फोर्थ स्टेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एज इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम्स का एक सैंपल है जो फोर्थ स्टेट में है, तो आपसे यह कहा जा रहा है कि जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, मतलब कितनी वेवलेंथ एमिट होंगी। ठीक है, अधिक से अधिक कितनी जो टोटल वेवलेंथ है वो एमिट होंगी, ये आपसे पूछा गया है। मैं टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, इसका अप्रोच सिखा रहा हूं। एक सैंपल है जो चौथी स्टेट में है, अब चौथी स्टेट में उसको छोड़ देंगे तो जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, वो लौट के बास ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये चौथी स्टेट में था, फोर्थ हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, मान लेते 4, 3, 2, 1। अब कोई भी ट्रांजिशन होगा तो वो एक वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 4 से कोई एटम 4 से 1 में आ जाए तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली, कोई एटम ऐसा हो सकता है कि 3 से 1 में आ जाए, जैसे 4 से 3 में भी आ सकता है, कोई 4 से 3 में आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, अब वो 3 से फिर 1 में भी आ सकता है तो एक और लाइन मिलेगी। ऐसा हो सकता है जो 3 पे आया था वो 2 पे आ जाए, 3 से 2 का एक एनर्जी गैप और आ गया, जो 2 पे आया था ऐसा हो सकता है कि वो 1 पे आ जाए। ठीक है, तो ये इतने स्पेक्ट्रल कितने हो गए, 5, और कोई लाइन मिस हो रही है, कोई और पॉसिबिलिटी है बताओ भाई, एक तो, हाँ 4 से 2 पे डायरेक्ट आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है, देखें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो अधिक से अधिक यहां पर आप ध्यान से देखें तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही है, 6 लाइन्स आ रही है यहां पर, 6 लाइनें यहां पर आ रही है, एक तो 4 से 1, एक 3 से 2, 2 से 1 भी आ गया, 4 से 2 भी आ गया, और कोई नहीं बच रहा है, तो 6 लाइंस आ रही है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला कुछ लोगों को पता भी होगा, फार्मूला ये होता है Nn − 1/2, इतनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, ये नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस यही है, Nn − 1/2 इसके बराबर नंबर ऑफ लाइंस है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को?
अब जैसे चौथी स्टेट पे था तो चौथी से अगर आएगा तो टोटल इतनी नंबर ऑफ स्टेट लाइन देख लो, 4 × 3/2 तो कितना हो जाएगा, 12/6 आ जाएगा, 6 इंस्पेक्टर लाइन है। मान लो पांचवी स्टेट में है तो कितनी लाइनें होंगी, 10 लाइनें हो जाएंगी। दूसरी स्टेट में है तो कितनी लाइनें होंगी, एक ही लाइन होगी, 2 × 2 − 1/2 तो एक ही लाइन, भाई 2 से 1 में आएगा तो बस एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। तीसरी स्टेट में आएगा तो 3 × 2/2 तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है। थर्ड में है तो एक तो डायरेक्ट, एक 3 से 2, एक 2 से 1, तो ये तीन ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी संख्या जो होती है वो n(n−1/2) के बराबर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बाकी फिर कल पढ़ते हम लोग।